नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। परीक्षा टालने का फैसला पहले क्यों नहीं हुआ, ये गजब है। 4 मई को होनी थी परीक्षा, 14 अप्रैल को लिया फैसला, जबकि कोरोना महामारी मार्च माह में देश भर में फैलती रही। क्या किसी को इस बारे में विचार करने की फुर्सत नहीं थी? 12वीं कक्षा की परीक्षा ऑनलाइन करवाने पर समय न होने का दिया था तर्क। अब 1 जून को इस पर फैसला किया जाएगा कब और कैसे ली जाएगी परीक्षा। जब पूरे साल ऑफलाइन कक्षाएं हुई, बच्चे एक भी दिन नहीं गए स्कूल, तो इस एक साल में बोर्ड ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के मॉडल पर क्यों नहीं चर्चा की है? और अब परीक्षा लेना मुश्किल है तो उसे रद्द या स्थगित करने का फैसला लिया गया है। तो बेहद अहम सवाल ये, परीक्षा टालने का फैसला आखिर पहले क्यों नहीं लिया गया, जबकि मार्च महीने से ही इस महामारी ने किस कदर दोबारा पैर पसारा था ये सबको नजर आया। गजब है कि 4 मई को हो रही थी परीक्षा और 14 अप्रैल को फैसला लिया जा रहा है, जबकि कोरोना महामारी मार्च माह में देश भर में फैलती रही। क्या किसी को इस बारे में विचार करने की फुर्सत नहीं थी? क्योंकि 12वीं कक्षा की परीक्षा ऑनलाइन करवाने पर समय न होने का पहले तर्क दिया गया और अब 1 जून को इस पर फैसला किया जाएगा कब और कैसे ये परीक्षा ली जाएगी। जब पूरे साल ऑफलाइन कक्षाएं हुई, बच्चे एक भी दिन स्कूल नहीं गए, तो इस एक साल में बोर्ड ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के मॉडल पर क्यों नहीं की चर्चा और अब परीक्षा लेना मुश्किल है तो उसे रद्द या स्थगित करने का फैसला लिया। तो क्या राहुल गांधी की बातें मानती है केंद्र सरकार? वैसे भाजपा नेता हर समय राहुल को लेकर उपहास करते हैं, लेकिन राहुल जो सुझाव देते हैं अंततः सरकार को मानना ही होता है। विदेशी वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी देने या सभी नागरिकों को टीका लगाना या फिर परीक्षाएं टालना हो, ये सभी मांगे सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाए। कुछ दिन टालने के बाद आखिरकार सरकार ने इन सभी सुझावों पर अमल कर लिया है। राहुल को लेकर तरह तरह के तर्क देने वाले भाजपा नेता अब शर्म निरपेक्ष हो गए हैं। जनवरी 2020 से करते रहे आगाह, लेकिन सरकार को नींद उनकी खुली ही नहीं। मार्च में जाकर सरकार की नींद खुलती और इसके बाद एक के बाद एक फैसले लिए जाते, जबकि आगाह शुरुआती तौर से किया जा रहा था। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या राहुल गांधी की बातें मानती है केंद्र सरकार? वैसे भाजपा नेता हर समय राहुल गांधी को लेकर उपहास करते रहे हैं, लेकिन राहुल जो सुझाव देते हैं अंततः सरकार को मानना ही होता है। विदेशी वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी देने या सभी नागरिकों को टीका लगाना या फिर परीक्षाएं टालना हो, ये सभी मांगे सबसे पहले राहुल ने ही उठाई थी। कुछ दिन टालने के बाद आखिरकार सरकार ने इन सभी सुझावों पर अमल कर लिया है। राहुल को लेकर तरह तरह के तर्क देने वाले भाजपा नेता अब शर्म निरपेक्ष हो गए। जनवरी 2020 से करते रहे आगाह, लेकिन सरकार की नींद खुली मार्च। पंजाब में दलित वोट बैंक को रिझाने का प्रयास। भाजपा अकाली दल इन दिनों दलितों के लिए बड़े बड़े वादे कर रहा है। आगामी वर्ष होने वाले चुनाव से पहले दोनों पार्टियों की दलित वोट बैंक पर नजर है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना भी चल रहा है। इस आंदोलनकारी किसानों में बड़ा हिस्सा पंजाब के किसानों का है। पिछले दिनों पंजाब शहरी निकायों में भाजपा अकाली दल का सूपड़ा साफ हुआ था और ऐसे में अब दोनों पार्टियों ने रणनीति बदल दलित वोट बैंक पर फोकस किया है। भाजपा ने किया है वादा कि उनकी सरकार बनी तो दलित होगा मुख्यमंत्री। वहीं अकाली दल ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो दलित होगा डिप्टी सीएम, और ये वादा कर जाट, सिख और दलित दोनों वोटों को लुभाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। यानी रणनीति अभी से बनाई जा रही है, रिझाने की कोशिशें की जा रही है अगले साल पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर। और पंजाब में दलित वोट बैंक को रिझाने का ही ये प्रयास है, जहाँ भाजपा अकाली दल इन दोनों दिनों दलितों के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आगामी वर्ष होने वाले चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के दलित वोट बैंक पर नजर है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना चल रहा है। इन आंदोलनकारी किसानों में बड़ा हिस्सा पंजाब के किसानों का है। पिछले दिनों पंजाब शहरी निकायों में भाजपा अकाली दल का सूपड़ा साफ हुआ था और ऐसे में अब दोनों पार्टियों ने रणनीति बदल दलित वोट बैंक पर फोकस किया है। भाजपा ने किया है इसे लेकर वादा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री दलित होगा। वहीं अकाली दल ने इसे लेकर वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो दलित डिप्टी सीएम होगा, और ये वादा कर जाट, सिख और दलित वोटों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। सुजानगढ़ में वोट काटू समीकरण पर टीका चुनाव। कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है। सुजानगढ़ में आरएलपी ने समीकरण बिगाड़ने के लिए ताकत झोंकी है। सिंपथी कार्ड के भरोसे मैदान में है मास्टर जी के बेटे मनोज मेघवाल। वहीं 5वीं बार टिकट लेने वाले खेमाराम मेघवाल बीजेपी से कैंडिडेट है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की साख भी यहाँ दांव पर लगी हुई है। चुनाव में सबसे ज्यादा दौरे सुजानगढ़ के किए हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की भी कड़ी परीक्षा इन चुनाव में है। डोटासरा व भाटी को ही गहलोत की घोषणाओं पर भरोसा है। वही बीजेपी के राजेंद्र राठौर व राहुल कस्वा के साथ बिताओं पर लगी हुई है। यहाँ पर मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ रही है बीजेपी। इधर जयपुर से गहलोत के हाथ में पूरी कमान है। सीएमआर से ही पूरे चुनाव का मैनेजमेंट कर लिया है गहलोत ने। तो साख दांव पर लगी है। सुजानगढ़ बेहद अहम सीट है और यहाँ पर कोशिशें दोनों तरफ से की जा रही है। अब सुजानगढ़ में वोट काटू समीकरण पर भी टीका चुनाव है।
कांग्रेस व भाजपा में सीधा मुकाबला सुजानगढ़ में होना है और आरएलपी ने समीकरण बिगाड़ने के लिए अपनी ताकत पूरी झोंक रखी है। सिंपथी कार्ड के भरोसे मैदान में है मास्टर जी के बेटे मनोज मेघवाल, वही पांचवी बार टिकट लेने वाले खेमाराम मेघवाल है बीजेपी से। इधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की साख भी दांव पर है। इस सीट पर चुनाव में सबसे ज्यादा दौरे सुजानगढ़ के किए हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की भी कड़ी परीक्षा इन चुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि डोटासरा व भाटी को ही गहलोत की घोषणाओं पर पूरा भरोसा है। वही बीजेपी की बात कर ले तो यहाँ राजेंद्र राठौर व राहुल कस्वा के साथ भी दांव पर है। मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ रही है बीजेपी। इधर जयपुर से गहलोत के हाथ में है पूरी कमान, सीएमआर से ही पूरे चुनाव का मैनेजमेंट कर लिया है गहलोत। वेद प्रकाश सोलंकी के तीखे तेवरों का रहस्य, बनना चाहते हैं एससी एसटी वर्ग के नेता। उनका विधानसभा क्षेत्र चाकसू इस समीकरण में फिट बैठता है। चाकसू में दोनों वर्ग ही सोलंकी को साधने हैं। एससी एसटी मुस्लिम और गुर्जर वोट उनके जीत का आधार रहे थे। अलबत्ता वे पहली बार बने हैं विधायक और आज पायलट समर्थक, लेकिन सियासत में चमके गहलोत की वजह से। गहलोत ने ही सोलंकी को पहली बार विधानसभा का टिकट दिलवाया था। लंबे समय तक अशोक गहलोत के जन्मदिन पर वो रक्तदान शिविर भी लगाते थे। गहलोत के लिए रक्तदान शिविर आयोजन के कारण चर्चित भी हुए थे और अब कहीं ना कहीं कोशिश उनकी यही है कि एससी एसटी वर्ग के नेता वो बन सके। वेद प्रकाश सोलंकी के तीखे तेवरों का रहस्य यही नजर आता है। उनका विधानसभा क्षेत्र चाकसू इस समीकरण में बिल्कुल फिट बैठता है। चाकसू में दोनों वर्ग ही सोलंकी को साध रहे हैं। एससी एसटी मुस्लिम और गुर्जर वोट उनके जीत का आधार रहे थे। अलबत्ता वे पहली बार विधायक बने हैं, आज पायलट समर्थक हैं, लेकिन सियासत में वो गहलोत की वजह से चमके हैं। गहलोत ने ही सोलंकी को पहली बार विधानसभा का टिकट दिलवाया था। लंबे समय तक अशोक गहलोत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर वो लगाते थे। गहलोत के लिए रक्तदान शिविर आयोजन के कारण ही चर्चित भी हुए थे वेद प्रकाश सोलंकी। विधानसभा चुनाव का थमा है चुनावी शोर और अब घर घर जनसंपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी, गले नहीं लगेंगे और पैर नहीं छू सकेंगे। सार्वजनिक जनसभाओं के आयोजन करने पर भी रोक रहेगी। राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। घर घर प्रचार चुनाव के दौरान केवल 5 व्यक्ति जनसंपर्क कर सकेंगे। सीईओ प्रवीण गुप्ता ने इसे लेकर अपील भी की है कि कोरोना गाइडलाइन की करें पालना। तीनों विधानसभाओं में 17 अप्रैल को मतदान होगा। तीनों विधानसभाओं में 7,43,802 मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे। तो प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन अब घर घर जाकर जनसंपर्क में जुट चुके हैं प्रत्याशी। इस विधानसभा चुनाव को लेकर वो गले नहीं लगेंगे, पैर नहीं छू सकेंगे। सार्वजनिक जनसभाओं के आयोजन पर भी यहाँ रोक रहेगी। राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी जुलूस भी नहीं निकाल सकते। घर घर प्रचार चुनाव के दौरान केवल 5 व्यक्ति ही है जो जनसंपर्क कर सकेंगे। इधर लगातार अपील भी यही की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। तीनों विधानसभाओं की बात करें तो 7,43,802 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे 17 तारीख को यानी कल। धर्म कर्मी उपचुनावों के साइड इफेक्ट, इस बार नवरात्रों में उपचुनाव से कई नेताओं के सामने दुविधा है। आखिर कैसे करें 9 दिन के नवरात्र विधि विधान से। एक तरफ कोरोना में डॉक्टर्स का कहना है कि भूखे ना रहे, कुछ ना कुछ खाते पीते रहे ताकि इम्यूनिटी वीक होने की नौबत ना आए। दूसरी तरफ घर के बाहर विधि विधान से नवरात्र नहीं है संभव और ऐसे में ज्यादातर नेताओं ने इस बार विधि विधान वाले नवरात्र नहीं किए हैं, क्योंकि स्थिति यहां पर ऐसी नजर आ रही है। धर्म कर्म में भी अब उपचुनाव के साइड इफेक्ट नजर आते हैं। इस बार नवरात्रों में उपचुनाव से कई नेताओं को सामने दुविधा आ चुकी है। आखिर कैसे करें 9 दिन के नवरात्र विधि विधान से, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना में डॉक्टर्स का कहना है कि भूखे ना रहें, कुछ ना कुछ दिन भर खाते पीते रहें ताकि इम्यूनिटी वीक ना होने की नौबत आए। दूसरी तरफ घर के बाहर विधि विधान से नवरात्र संभव नहीं है और ऐसे में ज्यादातर नेताओं ने इस बार विधि विधान वाले नवरात्र नहीं किए। और बात राजधानी के कांग्रेस विधायक की, सियासी बाड़ेबंदी में अक्सर अहम भूमिका रहती है इनके पास। एयरपोर्ट से नेताओं को होटल ले जाने की जिम्मेदारी रहती है, साथ ही होटल की व्यवस्था व घुमाने फिराने की भी जिम्मेदारी रहती है। इन दिनों असम के नेताओं का उनको काम भी मिला है, कभी आमेर तो कभी अजमेर पुष्कर में भ्रमण करा रहे हैं। अलबत्ता पहली बार बने हैं एक माननीय विधायक जिनकी जिम्मेदारियां यहां पर तय है। तो राजधानी के कांग्रेस विधायक की हम बात कर रहे हैं, सियासी बाड़ेबंदी में अक्सर अहम भूमिका इनके पास रहती है। एयरपोर्ट से नेताओं को होटल ले जाने की जिम्मेदारी इनके पास रहती है, होटल की व्यवस्था व घुमाने फिराने का भी जिम्मा इन्हीं के पास रहता है और इन दिनों असम के नेताओं का इनको काम मिला है, कभी आमेर तो कभी अजमेर पुष्कर में ये भ्रमण करा रहे हैं। अलबत्ता पहली बार बने हैं ये माननीय विधायक। नेताजी का धर्म कर्म साथ साथ, बात उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की। सुजानगढ़
में चुनाव प्रचार में महेंद्र चौधरी थे, लगातार सक्रिय नजर आए थे। यहाँ जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था, दिन भर में 8 चुनावी सभाओं को संबोधित उन्होंने किया। सरकार की तारीफ कर अपना राजनीतिक कर्म निभाया। प्रचार समाप्ति के बाद गौशाला पहुंचे महेंद्र चौधरी, गायों को गुड़, लापसी व हरा चारा खिलाकर धर्म कमाया। अब देखना है कि धर्म कर्म कितना काम आता है चौधरी जी के। उप मुख्य सचेतक से प्रमोशन की बात जो रहे हैं महेंद्र चौधरी, इंतजार तो प्रमोशन का है लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और कह सकते हैं नेताजी का धर्म कर्म दोनों साथ साथ चल रहा है। हम बात उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की कर रहे हैं। सुजानगढ़ में चुनाव प्रचार में महेंद्र चौधरी थे, दिन भर में 8 चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। सरकार की तारीफ कर अपनी राजनीतिक कर्म भी निभाया है। प्रचार समाप्ति के बाद गौशाला पहुंचे महेंद्र चौधरी तो वहां गायों को गुड़, लापसी व हरा चारा खिलाकर धर्म भी कमाया। अब देखना है कि धर्म कर्म कितना काम आता है चौधरी के। उप मुख्य सचेतक से प्रमोशन की बात जो रहे हैं महेंद्र चौधरी। क्या चुनाव के बाद लगेगा भाजपा कार्यालय के बाहर से हटाया होर्डिंग? भाजपा कार्यालय के बाहर से 2 दिन पूर्व बड़ा होर्डिंग हटाया गया जिस पर लगी थी 4 नेताओं की फोटो। सतीश पुनिया, वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर की फोटो थी। अब सियासी हलकों में खास चर्चा है, नए होर्डिंग में हो सकते हैं केवल 2 ही नेता जिनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के फोटो हो सकते हैं। बहरहाल नए होर्डिंग के लगने का तो इंतजार है और आखिर पहले की तरह से होगा या इस बार कुछ बदलाव होगा ये भी जरूर सवाल उठता है। संशय भी इस पर बरकरार है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की खास चर्चा है। कहा जा रहा है कि अगर 4 का लगता तो पहले ही लग चुका होता पोस्टर, इतना वक्त लग रहा है तो कुछ तो बदलाव यहाँ पर होगा। इंतजार जरूर किया जा रहा है कि आखिर पोस्टर लगता क्या है और किसकी फोटो लगती है, क्योंकि अभी तक इस यहाँ पर जो होर्डिंग हटाई गई है उसे दोबारा लगाया नहीं गया है। भाजपा कार्यालय के बाहर 2 दिन पहले ये होर्डिंग हटाया गया था जिस पर 4 नेताओं की फोटो थी, सतीश पुनिया की, वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौर की फोटो लगी थी। लेकिन अब इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चा बहुत खास है कि नए होर्डिंग में केवल 2 ही नेता हो सकते हैं जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होंगे और नेता प्रतिपक्ष के फोटो हो सकते हैं। बहरहाल नए होर्डिंग के लगने का तो इंतजार है कि आखिर पहले की तरह से ही होगा या इस बार कुछ बदलाव होगा इस होर्डिंग में। राजनीतिक गलियारों में तो इस बात की खास चर्चा है और कहा जा रहा है कि अगर 4 का लगता फोटो तो पहले ही यहाँ पर होर्डिंग लग चुकी होती, अब इतना वक्त लग रहा है तो कुछ तो बदलाव होगा। भरतपुर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल का हाल बेहाल है। मरीजों के परिजनों को खुद उठाने पड़ते हैं स्ट्रेचर। अस्पताल का स्टाफ सोया रहता है गहरी नींद में। तो भरतपुर संभाग के हालात है, सबसे बड़ा अस्पताल है भरतपुर संभाग का जिसके हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मरीजों के परिजनों को खुद ही स्ट्रेचर उठाने पड़ते हैं, खुद ही मरीज को अंदर ले जाना पड़ता है। अस्पताल का स्टाफ सोया रहता है गहरी नींद में, कोई मदद के लिए सामने नहीं आता और ऐसे में मरीज के परिजन मजबूर होते हैं कि खुद ही किसी भी तरह से मरीज को अंदर तक ले जाया जाए। और ये दर्शाता है कि भरतपुर में अस्पताल के हाल किस कदर बेहाल है, क्योंकि स्टाफ की मौजूदगी तो है लेकिन स्टाफ तो है गहरी नींद में, उठे कौन और किस तरह से मदद करे। सवाल तो ये उठता है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि भरतपुर के अस्पताल जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है यहाँ का, इतने बड़े अस्पताल जहाँ पर पूरी फैसिलिटी है लेकिन हाल बेहाल तब नजर आते हैं जब मरीज के परिजनों को खुद ही स्ट्रेचर खींच कर ले जाना पड़ता है मरीज को अंदर, क्योंकि स्टाफ तो गहरी नींद में सोया है। वीकेंड कर्फ्यू से तंबाकू उत्पादों की बिक्री में तेजी आई है। कई दुकानदार ग्राहकों से ले रहे हैं मुंह मांगे दाम, माल न होने की बात कहकर अधिक राशि यहां पर वसूल रहे हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में भी सामने आई है कुछ ऐसी ही तस्वीरें। वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा तो हो गई लेकिन वीकेंड कर्फ्यू से तंबाकू उत्पादों की बिक्री में जरूर तेजी आई है। कई दुकानदार ग्राहकों से मुंह मांगे दाम में तंबाकू खरीद रहे हैं, माल न होने की बात कहकर अधिक राशि इनसे वसूली जा रही है। भीलवाड़ा से ये तस्वीरें भी सामने आई है जहाँ पर बनेड़ा में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जहां लोग मुंह मांगे दाम भी दे रहे हैं तंबाकू के लिए। और जो हवाला दिया जा रहा है वो ये कि वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है, माल आ नहीं रहा है इसलिए इसके दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन दाम बढ़े हुए देने में भी कोई संकोच लोग नहीं कर रहे हैं जिन्हें खरीदना है तंबाकू। तो वीकेंड कर्फ्यू से तंबाकू उत्पादों की बिक्री में तो तेजी आई है। कई दुकानदार ग्राहकों से मुंह मांगे दाम यहाँ पर ले रहे हैं, माल न होने की बात कहकर ही अधिक राशि वसूल कर रहे हैं और इसके बावजूद भी लोग अधिक राशि दे रहे हैं क्योंकि दिक्कत ना हो, कमी आ रही है तो कहीं उनके पास खत्म ना हो जाए। भीलवाड़ा के बनेड़ा में सामने आई है कुछ ऐसी ही तस्वीर। ब्रेक के बाद चले बढ़ते हैं आगे, बैक टू पवेलियन। आज जयपुर से लौट रहे हैं असम से आए नेता। मुख्यमंत्री गहलोत से सीएमआर में नेताओं ने मुलाकात की, करीब 15 से 20 मिनट तक सीएम से शिष्टाचार भेंट की इन सभी नेताओं ने। तो आज जयपुर से वापस असम लौट रहे हैं ये नेता। इस दौरान यहां से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इन सभी ने मुलाकात की, सीएमआर में मुलाकात की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। करीब 15-20 मिनट तक सीएम से शिष्टाचार भेंट की इन सभी नेताओं ने। इतने दिनों तक जयपुर में इनकी मौजूदगी रही है,
आमेर हो या फिर अजमेर दरगाह, हर जगह पर्यटन का लुत्फ भी इन्होंने उठाया। और अब आज इनकी वापसी है, आज रवाना हो रहे हैं वापस असम, लेकिन उससे पहले करीब 15-20 मिनट तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात इन सभी ने की। शिष्टाचार भेंट सीएमआर में हुई है इन सभी नेताओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये तस्वीरें तो असम में तीन फेज के इलेक्शन खत्म होने के साथ ही वहां से रवानगी हो गई थी इन सभी नेताओं की, एक तरह से बाड़ेबंदी, क्योंकि वहां पर कुछ दिक्कतें करने की कोशिश ना की जाए, और इसलिए इन्हें सभी को राजस्थान लाया गया था। और तब से आज तक ये राजस्थान में ही, जयपुर में ही इनकी मौजूदगी थी रिजॉर्ट में। इस दौरान पर्यटन स्थलों का जायजा भी इन लोगों ने लिया, और आज इनकी रवानगी है यानी वापसी असम के लिए। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इन सभी ने मुलाकात की। सीएमआर में ये मुलाकात हुई शिष्टाचार भेंट की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। यह अहम तस्वीर, जयपुर से लौट रहे हैं असम से आए हुए ये सभी नेता। ये तस्वीरें सीएमआर की, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इन लोगों ने मुलाकात की है करीब 15-20 मिनट तक। सीएम से शिष्टाचार भेंट की, एक ग्रुप फोटो भी लिया गया। इस तरह से जिम्मेदारी इन सभी नेताओं की निभा रहे थे मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और विधायक रफीक खान। और ये तस्वीरें सीएमआर से, जब आज रवानगी से पहले सीएमआर पहुंचकर इन नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट की। 15-20 मिनट तक मुलाकात मुख्यमंत्री के आवास पर ही हुई इन सभी। अहम तस्वीर, तो अब वापसी का वक्त आ गया है। असम में चुनाव के खत्म होने के साथ ही, वोटिंग खत्म होने के साथ ही तीसरे फेज की वोटिंग जैसे ही खत्म हुई, वहां से जयपुर के लिए रवाना हो गए थे सभी नेता। करीब 18-20 नेता हैं जिनका असम से जयपुर आना हुआ था। यहाँ पर इन्हें रिजॉर्ट में ठहराया गया, पूरे इंतजाम किए गए, और अब कई जगह पर्यटन स्थलों का जायजा भी इन्होंने लिया, और अब आज इनकी वापसी असम के लिए। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत का जोधपुर का अहम दौरा है। कांग्रेस कार्यालय पहुंचे वैभव गहलोत। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए वाहन रवाना किया है, स्वास्थ्य बीमा प्रचार वाहन को रवाना किया है यहां से वैभव गहलोत ने। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा, पार्षद कुश गहलोत के नेतृत्व में वाहन को यहां से रवाना किया है वैभव गहलोत ने। शहर विधायक मनीषा पवार भी इस दौरान मौजूद रही। पीसीसी सचिव सरवन पटेल भी यहां पर साथ रहे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी भी उनके साथ रहे। छात्र नेता बबलू सोलंकी भी मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया है इस वाहन को एआईसीसी सदस्य तस्वीर आप देख सकते हैं, हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया है वैभव गहलोत ने। आईसीसी सदस्य वैभव गहलोत का जोधपुर का अहम दौरा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए इस वाहन को रवाना किया है, वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वैभव गहलोत ने। पार्षद कुश गहलोत के नेतृत्व में वाहन को रवाना किया गया। इस दौरान शहर विधायक मनीषा पवार भी मौजूद थी। पीसीसी सचिव सरवन पटेल की भी मौजूदगी रही। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी भी उनके साथ रहे, तो छात्र नेता बबलू सोलंकी भी यहां पर मौजूद रहे वैभव गहलोत के साथ, जहां हरी झंडी दिखाकर इस वाहन को रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए ही इस वाहन को रवाना किया जा रहा है, ताकि लोगों को इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके और लोग इसका लाभ उठा सके। जलदाय मंत्री का ऊर्जा विभाग से अनूठा प्रेम। अक्सर ऊर्जा भवन में नजर आते हैं बीडी कल्ला, सिर्फ टेबल के ऊपर की रोशनी में निपटाते हैं फाइल्स। ऊर्जा के साथ पानी का बड़ा महकमा भी कल्ला के पास है, लेकिन जलदाय विभाग के अफसर भी अक्सर इसी चैम्बर में नजर आते हैं। पानी महकमे की फाइल्स भी ऊर्जा के चैम्बर में ही निपटाई जाती है। सचिवालय की दूरियों से ज्यादा आसान है ऊर्जा भवन तक पहुंचना। वैसे महत्वपूर्ण मुलाकातें भी ऊर्जा विभाग के चैम्बर में हो जाती है, लेकिन इस बीच बीडी कल्ला की है, एक खास टेबल पर एक भी फाइल बकाया नहीं रखते मंत्री जी, ये इनकी खासियत है।
बीडी कल्ला के टेबल पर जो भी फाइलें हैं उसे बकाया नहीं रखते हैं, वो काम पूरा करते हैं और ज्यादातर यहाँ पर ही काम निपटाते नजर आते हैं बीडी कल्ला। जलदाय मंत्री का ऊर्जा विभाग से यह अनूठा प्रेम नजर आता है जब ऊर्जा भवन में नजर आते हैं बीडी कल्ला। सिर्फ टेबल के ऊपर की रोशनी में ये फाइल्स निपटाते हैं। ऊर्जा के साथ पानी का बड़ा महकमा भी कल्ला के पास ही है, लेकिन जलदाय विभाग के अफसर भी अक्सर इसी चैम्बर में नजर आते हैं। पानी महकमे की फाइल्स भी ऊर्जा के चैम्बर में ही निपटाई जाती है। सचिवालय की दूरियों से ज्यादा आसान है कि ऊर्जा भवन तक पहुंचा जाए। वैसे महत्वपूर्ण मुलाकातें भी ऊर्जा विभाग के चैम्बर में हो जाती है, लेकिन इस बीच बीडी कल्ला की खासियत है कि टेबल पर एक भी फाइल बकाया नहीं रखते हैं मंत्री जी। जाने कौन कब तोड़ दे विश्वास, राजनीतिक गलियारों की रोचक गपशप है। अब हर कोई कहां से लाए फेस टाइम ऐप। इन दिनों सामान्य कॉल से डरते हैं कई ब्यूरोक्रेट्स और नेता भी। ज्यादातर तो कहते हैं एक ही बात, हो सके तो फेस टाइम से बात किया करो। अब मुसीबत तो उन लोगों की जिनके फोन में नहीं होता फेस टाइम फंक्शन। दरअसल आजकल फोन कॉल रिकॉर्ड से और वॉइस लीक से डरते हैं अधिकारी भी। तो नेता तो डरते ही अधिकारी भी डरते हैं, और ऐसे में ही सवाल उठता है कि आखिर फेस टाइम के लिए फोन कहां से लेकर आए। और जाने कौन कब तोड़ दे विश्वास, ये जरूर है, शक हमेशा रहता है, सवाल बना रहता है, और सबसे बड़ी बात डर बना रहता है कि बातचीत कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है। अब राजनीतिक गलियारों की रोचक गपशप यही है कि हर कोई कहां से लाए फेस टाइम ऐप। इन दिनों सामान्य कॉल से डरते हैं कई ब्यूरोक्रेट्स और नेता भी। ज्यादातर तो कहते हैं एक ही बात, हो सके तो फेस टाइम से बात किया करो। अब मुसीबत उन लोगों की है जिनके फोन में फेस टाइम फंक्शन नहीं होता है। दरअसल आजकल फोन कॉल रिकॉर्ड से और वॉइस लीक से ही ये डर पैदा हुआ है। कोरोना की सख्ती और एक कड़वा सच, किसे कहे कि आपको आना है और आपको नहीं आना। मुसीबत सी आ गई उनके सामने जिनके घरों में शादियां हैं। कल तक की गाइडलाइंस आने से पहले खूब वितरित कर डाले निमंत्रण, अब 50 लोगों के इस नियम में बना दिया किम कर्तव्य विमूढ़। अब 50 घर वाले और रिश्तेदार ही हो रहे हैं कुल मिलाकर शामिल, और ऐसे में अब मेहमानों को गाइडलाइंस की कॉपी भेजकर मजबूरी बता रहे हैं। कार्ड तो पहले बट गया, लेकिन नई गाइडलाइन की पालना करना जरूरी है, और इसलिए कहीं ना कहीं मुश्किल लोगों को नजर आती है। बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, विधानसभा उपचुनावों में संभव नहीं, लेकिन आई है डिमांड सर्वाधिक। योगी आदित्यनाथ की सभा की तीनों जगहों से मांग आई थी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है, और अगर योगी आते प्रचार में तो हो सकता था ज्यादा लाभ, और ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादा फायदा मिल सकता था। लगातार डिमांड भी थी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। विधानसभा उपचुनाव में 3 सीट में यहाँ पर, लेकिन आई है यहाँ पर सर्वाधिक डिमांड योगी आदित्यनाथ की कि वो प्रचार के लिए आते, सभा को संबोधित करते। योगी आदित्यनाथ की सभा की तीनों जगहों से डिमांड आई थी, मांग आई थी, और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है कि अगर योगी आ जाते प्रचार में तो हो सकता था ज्यादा लाभ। बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक बना है परेशानी। राजपूत वर्ग ने आज राजसमंद में रैली निकाली, अन्य समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ रोष नजर आया है। बीजेपी के राजपूत नेता जुटे हैं डैमेज कंट्रोल करने में, तो इधर सांसद दिया कुमारी के प्रयास लगातार जारी है। राजसमंद सांसद को जीरो से करने पड़ रहे हैं प्रयास। दिवंगत सांसद हरिओम सिंह राठौर की कमी बीजेपी को यहाँ पर महसूस हो रही है। क्या कोरोना से महफूज है पहाड़ पर पार्टी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक स्थान पर दोहरी नीति अपनाई जा रही है। नाहरगढ़ आज से शाम 5 बजे हो जाएगा पर्यटकों के लिए बंद। पुरातत्व विभाग की ओर से जारी हो चुके इसे लेकर आदेश, और शाम 5 बजे के बाद व्यवसायिक गतिविधि भी बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन नाहरगढ़ का पड़ाव रेस्टोरेंट नहीं मानता ऐसे आदेश। पर्यटन निगम के अधीन है पड़ाव रेस्टोरेंट, पर्यटन निगम यहाँ जारी रखेगा पर्यटन गतिविधियाँ। बड़ा सवाल, क्या कोरोना भी अपना आएगा नाहरगढ़ को लेकर दोहरी नीति, या फिर पर्यटन निगम रोकेगा सैलानियों के साथ ही खिलवाड़। दरअसल पड़ाव रेस्टोरेंट निर्भर है नाइट पार्टी पर, और ऐसे में पर्यटन निगम यहां एक्टिविटी बंद करने से कतरा रहा है, जबकि यहां पर गाइडलाइन साफ कहती है कि 5 बजे के बाद कहीं पर भी इस तरह की पार्टी या कोई आयोजन नहीं हो सकते, पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक स्थान पर दोहरी नीति आजमाई जा रही है नजर आती है। नाहरगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां आज शाम 5 बजे पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। पुरातत्व विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश भी जारी हो चुके हैं, व्यवसायिक गतिविधि भी बंद करने के आदेश यहां पर दिए हैं। लेकिन नाहरगढ़ का पड़ाव रेस्टोरेंट ऐसे आदेश को मानता ही नहीं है। पर्यटन निगम के अधीन है ये पड़ाव रेस्टोरेंट, पर्यटन निगम यहां जारी रखेगा पर्यटन गतिविधियां। लेकिन बड़ा सवाल, क्या कोरोना भी अपना आएगा नाहरगढ़ को लेकर दोहरी नीति, क्या ये अपनाएगा, या फिर पर्यटन निगम रोकेगा सैलानियों के साथ खिलवाड़। दरअसल पड़ाव रेस्टोरेंट निर्भर है नाइट पार्टी पर, और ऐसे में पर्यटन निगम यहाँ एक्टिविटी बंद करने से कतरा रहा है।